हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिसन स्कॉलर। और डिसन, आप सभी को पता है कि डिसन स्कॉलर ने अपने यूट्यूब चैनल पर सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज है टीएमए के सॉल्यूशन की। तो अगर आपने भी एडमिशन लिया है एनआईएस में 2023 से 2024 सेशन में, चाहे आपने अप्रैल में लिया हो चाहे आपने अक्टूबर में लिया हो 2024 में, और आपको टीएमए बना के सबमिट करना होगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो, और आपको चाहिए पेंटिंग क्लास 12th के सब्जेक्ट का टीएमए का सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आप। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आपको मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाली। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पेंटिंग सब्जेक्ट है क्लास 12th, इसका कोड होता है 332। हालांकि इसका इंग्लिश मीडियम वाला जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। वहां पे आपको हर सब्जेक्ट के टीएमए के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सेशन की बात की जाए तो अगर आपका सेशन 2023-24 अप्रैल या फिर अक्टूबर है एनआईएस का, तो फिर आपके लिए यही टीएमए के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आंसर हिंदी में है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर हमने चूज किया है क्वेश्चन नंबर बी, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आप देख के लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और ये पूरा का पूरा डीएमए का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप इसको देख के यहाँ से उतार सकते हो। एक एक शब्द आपको पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, और इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको हमारी पूरी एक्सपर्ट टीचर टीम ने मिलकर बनाया है। और यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसका फिर से हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है बी, इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप में से कोई है जो चाहता है ये पीडीएफ उसको हैंड रिटन मिल जाए, यानी कि रेडी टू अपलोड पीडीएफ मिल जाए, तो बस आपको हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। वहां से आपको इसको परचेस करने का बेहद ही कम दाम पर ऑप्शन मिल जाएगा, और आप उसको परचेस कर सकते हो। आपका जो टीएमए है बिल्कुल अच्छे अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं, नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हम लोगों ने यहाँ पे बी क्वेश्चन को चूज किया है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ, या फिर जस्ट पीडीएफ जिसमें से आप देख के इसको अपने घर बैठ के उतार के लिख सकते हो अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में, तो जिस दोनों के लिए हमें जस्ट व्हाट्सएप कर देना, दोनों के सॉल्यूशन आपको वहां पे दे दिए जाएंगे बिना किसी झंझट के। और डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो हमारे शब्दों का जो दायरा है वो 100 से 150 शब्दों का हो गया है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमारे 40 से 60 शब्दों के लिए आंसर देना था। और डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो के पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के आंसर देखने को मिलेंगे। अगर आपको भी चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जो कि होता है थोड़ा सा आपके बुक से हटके, क्वेश्चन आंसर से हटके, थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर होता है, तो अगर आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। उसके लिए आप जस्ट हमें आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 के वो आंसर चाहिए, और आपको वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियोज। और ये देखने को आपको मिल रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, ये पिक्चर आपको लगानी है। पिक्चर आप ब्लैंक वाले साइड पे पेस्ट कर सकते हो, ये इससे रिलेटेड पिक्चर था जिसमें आपको मार्क्स और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और ये रहा इसका बाकी का आंसर, आप देख के यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप डियर स्टूडेंट नोट कर सकते हो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, 10th में हो 12th में हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, किसी भी मीडियम का, तो जस्ट आप हमें इसी नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। आइए बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको जो शब्द को दायरा है, शब्दों का दायरा 100 से 150 शब्दों के लिए है। और यहाँ पर हम लोगों ने अगेन बी क्वेश्चन का चूज किया है, और जिसका आंसर आपको नीचे देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, जिसको आप बिल्कुल ऐसे ही एडिटेड उतार सकते हो। ध्यान रखना राइटिंग बहुत अच्छी रखना, वरना इतना उतारने के बाद भी नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, नंबर आपकी राइटिंग पे ही, प्रेजेंटेशन पे ही होने वाला है। तो बिल्कुल साफ सुथरा लिखना, कट पीट तो गलती से ही मत करना। एक पेज पे कोशिश करना एक ही आंसर लिखे, क्वेश्चन ब्लैक से लिखना, आंसर ब्लू से लिखना। ठीक है, ये सारा इसका आपको यहाँ पे आंसर है उस क्वेश्चन नंबर 5 का। और ये पिक्चर है जो कि आप उससे रिलेटेड पिक्चर है जो कि आप लगा सकते हो।
और इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। जैसे हमें लगेगा हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और वाकई आपको क्वेश्चन नंबर 6 की जरूरत है, तो हम जस्ट उसका पार्ट 2 का वीडियो लेते आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।